अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिस्बा और आज मैं बना रही हूँ मैंगो कोना पाटा। मैंगो कोना पाटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध लिया। मैंने दूध को बॉयल कर लिया और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस शामिल करूंगी। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। दूध को भी बॉयल किया, दूध हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून, मैंने यहाँ पर जेलटिन पाउडर लिया है, और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं पानी। ये मेरा टीस्पून है तो ये 2 टेबलस्पून। इसमें से मैं थोड़ा सा दूध लूंगी, इसमें शामिल करूंगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी इस दूध में। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाए। ये देखिए जी, मैंने इन गिलासों को इस तरह सेट करना है। अब मैं इसमें ये दूध डाल दूंगी जो हमने बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको रख दूंगी रेफ्रिजरेटर में, ये अच्छा सेट होता है, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए जी, गिलास हमारे जबरदस्त से सेट हो गए हैं। अब हम इनको इसमें से निकाल लेते हैं। मैंने 3 गिलास रेडी किए हैं। आप जितने चाहें तो उसी क्वांटिटी से आप इनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मैंगो। यहाँ पर मैंने 8 अदद दरमियाने साइज के मैंगो लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, फिर मैंने इसको छन्नी में रख के इसका पल्प निकाल लिया। मैंने इस साइज के 8 अदद मैंगो लिए हैं। ये हमारा सारा पल्प निकल गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये 1.5 टेबल यानी 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ये जेलटिन पाउडर है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं पानी शामिल करूंगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। अब देखिए, अब मैं ये वाला पल्प इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको फिर मैं रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में ताकि ये हमारे अच्छे से सेट हो जाए। मिलती हूँ मैं 1/2 घंटे के बाद। ये देखिए जी, जबरदस्त से हमारे मैंगो पन्ना कोटा बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त, कितने मजे के लग रहे हैं ना। ये देखिए, कितनी यूनिक रेसिपी है और इतने मजे के है ना। आप बनाएंगे, आप जब खाएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं करती हूँ इसको गार्निश। गार्निश आप कर दें मैंगो से। अब इसके ऊपर रखते हैं हम एक चेरी। मिंट के लीव, देखिए है ना हमारा कितना जबरदस्त सा यमी सा डिजर्ट और कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।